दोस्तों, गैस वो बीमारी है जिसमें बार बार मुंह से डकारें आने लगती है, तेज आवाज या बदबू के साथ मलद्वार से गैस बाहर निकलती रहती है, पेट में वायु का गोला सा महसूस होने लगता है और पेट फूलने लगता है। इसके कारण पेट, पीठ, कमर और हाथ पैरों में दर्द होने लग जाता है, और अगर गैस पास नहीं हो तो सीने में दर्द और बेचैनी होने लगती है। बीपी बहुत हाई हो जाता है जिससे दिमाग की नस फटने के कारण मौत होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यूं तो गैस के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन खाना ठीक से नहीं पचना और मुंह से हवा ज्यादा निकल लेना, जिसे कि मेडिकल साइंस में एरोफेगिया भी कहते हैं, गैस के दो सबसे बड़े कारण है। जब हम कुछ भी खाते पीते हैं तो मुंह से हवा निकलने में आती है। जल्दी जल्दी खाने से, खाने को ठीक से नहीं चबाने से, बहुत ज्यादा खाने से, खाते टाइम बोलने से, स्ट्रॉ से ड्रिंक पीने से, च्युइंगम चबाने से, शराब पीने से, स्मोकिंग करने से, बहुत ज्यादा मात्रा में हवा मुंह से अंदर चली जाती है और वही गैस बन जाती है। इसके अलावा जब खाना पचने के लिए छोटी आंत में जाता है तो डाइजेशन सिस्टम कमजोर होने के कारण वो ठीक से नहीं पचता। ये ठीक से नहीं पचा हुआ खाना जब बड़ी आंत में जाता है तो बैक्टीरिया इसको कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। इससे पेट में भयंकर गैस बनने लग जाती है। इसलिए मैं आज के इस नुस्खे में पहला इंग्रेडिएंट अजवाइन ले रहा हूँ, क्योंकि अजवाइन खाने को पचाने का काम बहुत अच्छी तरह से करता है, जिससे डाइजेशन बिल्कुल ठीक रहता है, कब्ज दूर होती है और पेट साफ हो जाता है। जब पेट साफ रहता है तो फिर गैस नहीं बनती। अजवाइन को तवे या पैन में थोड़ा सेक कर मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लेना है। आजकल बाजार में भी बना बनाया अजवाइन का पाउडर मिल जाता है, उसको भी ले सकते हैं। ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए अजवाइन पाउडर की बस 1/4 चम्मच ही लेनी है। अब इसमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट मिलाना है वो है काला नमक। दोस्तों, काला नमक लैक्सेटिव होता है, यानी खाना पचाने की क्रिया को ठीक करके हाथों में जमा मल को बाहर निकाल देता है, जिससे पेट में मल सड़ता नहीं है और गैस नहीं बनती। साथ ही एक क्षारीय होता है, इसलिए एसिडिटी और उसके कारण बनने वाली गैस को भी खत्म कर डालता है। ये अजवाइन से भी कई गुना पावरफुल होता है, इसलिए आपको 1/4 चम्मच अजवाइन पाउडर में केवल 1 चुटकी काला नमक ही डालकर मिला लेना है। ये तो हुआ नुस्खा बनाने का तरीका, ये एक बार की डोज है। अब इसको यूज करने का तरीका भी बता देता हूँ। खाना खाने के तुरंत बाद आपको इसे खाकर ऊपर से 1 कप छाछ पी लेनी है। दोस्तों, छाछ पाचन तंत्र के लिए अमृत है। ये गैस और पेट की सारी तकलीफें दूर कर देती है। जिनको दूध या दूध से बनी चीजों से एलर्जी है, वो छाछ की जगह हल्का गर्म पानी भी ले सकते हैं, क्योंकि हल्का गर्म पानी भी पाचन तंत्र के लिए अमृत होता है। सुबह शाम दोनों टाइम खाना खाने के तुरंत बाद आपको इसे लेना है। ये गैस में तुरंत फायदा करता है। आप इसे रोजाना लेना और ध्यान रखना कि मुंह से ज्यादा हवा निकलने में नहीं आए। आप देखेंगे कि हफ्ते भर में ही गैस का नामो निशान पूरी तरह से मिट जाएगा। इससे डकारें आना बंद हो जाएगी, तेज आवाज और बदबू के साथ गैस निकलना बंद हो जाएगी, पेट में दर्द, सीने में दर्द और जो बेचैनी होती है वो भी ठीक हो जाएगी, खाना ठीक से पचने लग जाएगा और बदबू के साथ गैस निकलना बंद हो जाएगी, पेट में दर्द, सीने में दर्द और जो बेचैनी होती है वो भी ठीक हो जाएगी, खाना ठीक से पचने लग जाएगा, जिससे एसिडिटी और कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी और गैस के कारण पेट, पीठ, कमर और जोड़ों में रहने वाला दर्द भी ठीक हो जाएगा। अगर आप